जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको रविवार का उपाय बताने जा रहा हूँ। आज मैंने दीपावली के कुछ खास उपाय डाले थे जिसका नाम है दिवाली 2022, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन आपको करोड़पति कर सकता है। क्या करना है, कैसे करना है, उस वीडियो में बताया गया है। टाइप कीजिए दिवाली 2022 बृजमोहन सूरी, मेरा वीडियो खुल जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रविवार का उपाय। आज गुड़ दान करना है। गुड़ का दान करने से आपके सूर्य बलि होंगे, और जब सूर्य बलि होंगे तो सभी ग्रह उनके नीचे आ जाते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है। इसलिए दिल से कीजिए और अवश्य कीजिए। मात्रा जितनी आपका दिल हो उतनी किसी मंदिर में दें, किसी गरीब को दें, गाय को खिला दें, जल प्रवाह कर दें, कीड़े मकोड़ों को डाल दें, एक सा ही लाभ आपको चारों तरफ से मिलेगा। यानी कैसे भी आप ये उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग मात्रा के बारे में पूछा करते हैं, मात्रा जितना आपका दिल हो। जब जिन औरतों को मासिक धर्म हुआ है, उन औरतों को मंदिर में जाकर ये उपाय नहीं करना चाहिए। मंदिर के बिना कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, किसी मंदिर में रखने मत जाइए। और जिन लोगों के घर में कोई शौक है या सूतक पातक कुछ भी है, वह आराम से ये उपाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।